आप देख रहे हैं केवल सच। पूर्व विधायक सुरदेव सिंह तथा उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। आज सासाराम के डीजे 3 की कोर्ट ने विक्रमगंज के पूर्व विधायक सुरदेव सिंह तथा उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि वर्ष 2017 में विक्रमगंज के तेदुनी में से सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या हुई थी। हत्याकांड के वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एडीजे 3 की अदालत ने पूर्व विधायक सुरदेव सिंह तथा उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि आपसी रंजिश में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप था। इस मामले में वे तथा उनकी पत्नी को दोषी करार दी गई थी। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए डीजे 3 राजेश कुमार बच्चन की कोर्ट ने मामले में अन्य 3 आरोपियों को रिहा कर दिया था, जबकि विधायक और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि विक्रमगंज थाना में 84/2017 मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आज कोर्ट सजा सुनाई है। बता दें कि डीजे 3 का कोर्ट सांसद विधायक के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। 2017 का घटना है, जिसमें सूरजदेव सिंह ने अपने पत्नी कुसुम देवी के ललकारने पर उन्होंने फायर किया। सूरजदेव सिंह ने, जिसमें 6 बच्चे इंजर्ड हुए और एक सालेहा खातून मृत्यु हो गई उसकी, और वही उसी केस का ट्रायल हो रहा था जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 के यहाँ, जिसमें उनका आज सजा के बिंदु पर सुनवाई था, और उसमें 302 में उनका आजीवन कारावास हुआ है उनके और उनके पत्नी का। उसमें और 3 मुद्दे थे जिन लोगों का कि रिहाई हो गया, वे निर्दोष पाए गए, और 307 में सजा हुआ है उनको 10 बरस का, और 27 आर्म्स में भी सजा हुआ है, और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। फाइन भी हुआ है क्या? यही है फाइन भी हुआ, जुर्माना भी। हाँ, फाइन जो है 60,000 हुआ है 302 में, और 307 में 30,000 हुआ है।